कोरोना वायरस को लेकर राजस्थान की सरकार पल पल की रिपोर्टिंग कर रही है और तमाम जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज SCS चिकित्सा विभाग रोहित कुमार सिंह ने तमाम जिला मुख्यालयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं जांच और स्क्रीनिंग के साथ ही सैंपल लेने की गति को तेज करने व बढ़ते प्रभाव को देखते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि इस महामारी को लेकर रसद विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वह कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में रसद संभव रूप से पहुँचाए और किसी को भी परेशानी न हो। आज ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह जी के अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य रूप से जो उनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें किस तरह से व्यवस्थाएं की जानी है और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने तैयारियां की हुई हैं मेडिकल कॉलेजेस में और क्वारंटाइन सेंटर्स में, उसके बारे में भी उन्होंने रिव्यू किया। लार्ज आउटब्रेक और स्टेज टू, स्टेज वन, स्टेज थ्री के बारे में उन्होंने निर्देश दिया है और इसके साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह की अभी हमारी तैयारी है उसका उन्होंने रिव्यू लिया। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर जहाँ पे भी इस तरह की कंप्लेंट आ रही है हम जांच कराएंगे। हमारे फूड इंस्पेक्टर्स लगातार इसमें लगे हुए हैं और अभी तक उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दी गई है उसके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई की। सर, कल एक खाना लापरवाही, उसकी जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई उसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक नहीं, अभी इसके बारे में क्लियर विस्तृत गाइडलाइंस कुछ नहीं आई है राज्य सरकार के द्वारा। जब तक पूरी तरह से निर्देश नहीं दिए जाएंगे तब तक हम अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।